हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आपको मैं इस चैनल पे डेली जॉब अपडेट्स दे देता हूँ। इसी तरह के अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। एक साल कंप्लीट होने वाला है और हमें टारगेट कंप्लीट करना है 4 लाख सब्सक्राइबर का, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। आज की अपडेट यहाँ पे बैलमर एंड लॉरी लिमिटेड कंपनी से है, ये PSU है, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशंस की बात तो करेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आपको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, उनको बताओ कि आप एलिजिबल हो, ताकि वो अप्लाई करें और उनकी जॉब शायद लग जाए आपके शेयर करने से। तो शेयर ज़रूर कर देना और आप लाइक कर देना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 2000 लाइक। उम्मीद करता हूँ आप तो कंप्लीट कर ही दोगे, 24 घंटे में फटाफट से कंप्लीट कर देना, अपडेट बहुत बढ़िया है। और अब बात करते हैं, अब यहाँ पे जो पोस्ट है ना वो जूनियर ऑफिसर की है, और वहाँ पे जो ये जो बालमर एंड लॉरी है, वैसे तो यहाँ पे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंपनी है, एक PSU है, लेकिन इसके जॉइंट वेंचर्स और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स जो होते हैं उसमें यहाँ पे उनकी एक ट्रैवल कंपनी भी है, तो ट्रैवल कंपनी में जूनियर ऑफिसर ट्रैवल की ज़रूरत है। तो ये डिटेल जो पोस्ट के बारे में जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अलग अलग लोकेशन पे ज़रूरत है और आप इंडिया में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। चेन्नई में वैकेंसी है, कोचीन में है, बेंगलुरु में है, पुडुचेरी में है, मुंबई में है, तो आप यहाँ पे अगर चाहो तो एनी लोकेशन पे अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे किसी भी तरह की फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। नाउ एलिजिबिलिटी कंडीशन में इन्होंने कहा हुआ है कि ग्रेजुएट चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से, मतलब आपने अगर किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आपको क्या क्या करना रहेगा, आपको ट्रैवल ऑपरेशन हैंडल करने होंगे। मैंने स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर दिया है, इसमें यहाँ पे फेयर कंस्ट्रक्शन आ गया, मेकिंग रिजर्वेशन आ गया, फिर प्रोसेसिंग कैंसलेशन, रिफंड्स, रेगुलर फॉलोअप्स एंड फॉल्ट फ्री सर्विस, मतलब आपको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करनी है इनकी कंपनी में, तो एक बहुत अच्छी पोस्ट है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं और जॉब के बारे में और भी डिटेल्स दी हुई है, तो यहाँ पे आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट डेट यहाँ पे 18 दिसंबर है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, 3 साल का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पहले से ही बोल दिया है। बाद में अगर इनके यहाँ पे वैकेंसी आती है तो आप आगे चल के अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए फिक्स 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें तो इन्होंने सैलरी एग्जैक्ट नहीं बताई है, लेकिन एक पॉइंट के तौर पर बता दिया है कि कंपनी के पास पूरा राइट है आपको कोई भी सैलरी या कोई भी पोजीशन प्रोवाइड करने का। तो अगर हो सके कि आपका अगर अच्छा जाता है तो आपको अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड की जाए, लेकिन सोर्सेज से पता लगता है कि सैलरी आपको यहाँ पे 20,000 समझ के चलो, 20,000 से लेके 50,000 जितना आपको इसके बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब 20,000 से 50 या 55,000, 20-25 का एक रेंज मिनिमम का पकड़ो, मैक्सिमम का 50 से 55,000 का पकड़ के चलो, इस रेंज के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एग्जैक्ट यहाँ पे फिगर कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें। और आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन अप्लाई कर लो। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे फीस भी नहीं ले रहे, और सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर मान लो आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको यहाँ पे रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब समझो कि आप मुंबई में अप्लाई कर रहे हो, मुंबई के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आप बाहर के हो, मुंबई के बिलोंग नहीं करते हो, मुंबई के बाहर के बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर ऐसा कहे कि रिटर्न टेस्ट हो सकती है, तो आपको बुलाया जाएगा और जो भी ट्रैवल फेयर होगा वो आपको रिइम्बर्स कर देंगे। मतलब कि ये बहुत अच्छी बात है, मतलब एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं चार्ज कर रहे और इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा और वैकेंसी काफ़ी बढ़िया है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप ज़रूर से अप्लाई करो, शायद सिलेक्शन हो जाए और आपकी जॉब लग जाए। मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना क्या आप अप्लाई कर रहे हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आपको मैंने सारी डिटेल्स बैलमर एंड लॉरी लिमिटेड की तरफ से जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी प्रोवाइड कर दी है। अलग अलग लोकेशन के अलग अलग नोटिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन में लोकेशन के अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है,
तो आपको मैं यहाँ पे सैंपल नोटिफिकेशन एक दे दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यही वैकेंसी आपको अलग अलग लोकेशन पे दिखेगी सेम नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में शेयर कर दो वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।